लाइन में खड़ा हो जाएगा। रोड भी क्लियर अच्छा है, गाड़ी घोड़ा भी चलने को, आटो चलने को, मोटर अपना अपना साइड हो जाए, साइड हो जाए, खड़े रहो, साइड होकर खड़े रहो सब लोग। महादेव की नगरी काशी, जहां सावन की शिवरात्रि और जुमे की नमाज के दिन माहौल गर्मा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के पास मुस्लिम समुदाय के लोग अचानक जुटने लगे। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वहां मौजूद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते विरोध कर रहे अब्दुल बातिन नोमानी ने जुमे की नमाज को रोक दी। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर अस्थाई गेट के चौखट को मुस्लिम समुदाय के लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। नमाजियों का कहना है कि जब तक चौखट हटाई नहीं जाती, तब तक वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस दौरान नमाजियों से पुलिस की थोड़ी नोकझोंक भी हुई। नमाजियों का कहना है कि प्रशासन ने अस्थाई गेट को तो हटा दिया है, लेकिन अभी तक उसकी चौखट नहीं हटाई गई है। शकील अहमद, नहीं नमाज होगी, समय से होगी नमाज, होगी नमाज जो होगी अब समय से होगी। हाँ तो हो सकता है थोड़ा देर, भीड़ हो गई है, थोड़ा सा देर में हो सकती है, 10-20 मिनट के बाद हो सकती है, नमाज हो सकती है। और कल का वही सब विवाद है, रात को तो बात नहीं, नमाज तो होगी, नमाज तो नहीं है, मस्जिद है तो नमाज होना है, नमाज होगी। वो पिलर हटाने की बात है, कल रात में विश्वास दिए थे कि पिलर हट जाएगा, लेकिन अभी तक पिलर हटा नहीं, अब विश्वास भी नहीं है मुफ्ती साहब को, और हम लोग मुफ्ती साहब के साथ हैं, तो अभी उसी के लिए वो बैठ गए, मुफ्ती साहब वहाँ बैठे हुए हैं, पिलर हटवा देंगे, वो वहाँ जाके नमाज शुरू कर देंगे। प्रतीकात्मक विरोध है क्या? विरोध नहीं, हम अपनी बात कह रहे हैं, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं, हम विरोध करना होता तो हम अपने हाथ से हटा देते, विरोध तो कर नहीं रहे, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज आप वहाँ से हटा दीजिए, एक संदेश देने का। बस बस और कुछ नहीं, आज बाहर ही हैं आप? हम बाहर हैं, हम लोग मुफ्ती साहब के साथ हैं। नहीं हटेगा नमाज नहीं, अभी तो मुफ्ती साहब का यही मैसेज है, क्या है? आप विरोध उसको हटा दीजिए वहाँ से पिलर को, हम लोग नमाज पढ़ाए, वो गेट हटेगा जब अभी ना हो नमाज, वही वो बैठे हुए। हाँ बस बैठे बैठे हुए थे, प्रशासन ने रिक्वेस्ट किया कि आप आवाम को हटा दीजिए, तो आवाम को मस्जिद के अंदर दाखिल कर दिए, हालांकि आवाम भी उनके पीछे थी कि जब मुफ्ती जाएंगे अंदर, मुफ्ती साहब जब अंदर जाएंगे तो आवाम जाएगी। बता दें कि बीते गुरुवार की शाम नमाजियों ने काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 के बाहर अस्थाई गेट बनाने से नाराज होकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने बैकफुट पर आकर गेट बनाने के फैसले को वापस ले लिया था। बावजूद इसके गुरुवार को भी नमाजियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। शहर मुफ्ती डॉक्टर अब्दुल बासित नोमानी ने कहा कि ये प्रशासन की मनमानी है। प्रशासन से हमारी बातचीत कल हुई और उन्होंने कहा कि एडीएम सिटी साहब ने खुद अपनी जिम्मेदारी पर कहा था कि रात में 1 बजे तक हम उसको हटवा देंगे और वो जो कुछ भी आपकी मांग है पूरी हो जाएगी, इंतजार करते रहे, लेकिन खुद एडीएम सिटी साहब ने ही कहा कि नहीं हो पाएगा, गेट तो नहीं लगेगा लेकिन वो जो है वो भी नहीं हट पाएगा। सुरक्षा कारणों से अगर गेट लग रहा है, पहले भी मस्जिद के दरवाजे पे गेट लगा है, आखिर इसमें मसला क्या है? नहीं नहीं, ये सुरक्षा कारणों से आप कह रहे हैं, हकीकत में वो नहीं, बात कुछ और है। प्रशासन की मंशा क्या नजर आ रही है? प्रशासन की मंशा हमें वो पक्की नहीं समझ में आ रही है, इसकी वजह से हमें विरोध जारी रहेगा। विरोध जारी। बता दें कि सावन की शिवरात्रि और जुमे की नमाज को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर है, पुलिस के आला अधिकारियों की चप्पे चप्पे पर नजर है। अपर पुलिस आयुक्त एस चिनप्पा ने अपने अधिकारियों और फोर्स को ब्रीफ किया व आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैदल गश्त किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को हर पल अलर्ट रहने को कहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।